एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अगर आप भी सलमान भाईजान के इस डायलॉग के कायल हैं तो आपको वांटेड याद ही होगी। फिल्म में भाई का जलवा बेमिसाल था। इस फिल्म का सीक्वल प्लान किया गया तो एक बार फिर से सलमान के फैंस एक्साइटेड हो गए, लेकिन इस बार सलमान खान इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। फिल्म रेस 3 के एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान ने बताया कि वह वांटेड नहीं कर रहे। इसके बाद से फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर और डायरेक्टर प्रभुदेवा फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश में थे। फिल्मी बीट में छपी एक रिपोर्ट की माने तो वांटेड 2 के लिए हीरो फाइनल कर लिया गया है। यह हीरो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के बागी टाइगर श्रॉफ है। बागी और बागी 2 में शानदार एक्शन के बाद दर्शकों ने टाइगर को बतौर एक्शन हीरो स्वीकार कर लिया। ऐसे में डायरेक्टर के पास इससे बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है। वैसे फिलहाल टाइगर करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 को लेकर बिजी हैं। इस फिल्म में टाइगर के साथ दो नए चेहरे अनन्या पांडे और तारा सुथारिया नजर आने वाली हैं। बता दें कि अनन्या एक्टर चंकी पांडे की बेटी हैं। उम्मीद है कि वह दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरेंगी दोस्तों। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो और जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर यही मिलती है सबसे पहले।